देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़ी खबरों के लिए टोक्यो ओलंपिक टॉप 9। ओलंपिक मेंस हॉकी के पूल ए के मैच में भारत की शानदार शुरुआत, भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। दीपिका और प्रवीण जाधव की मिक्स टीम की जोड़ी ने तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, दोनों ने चीनी ताइपे की जोड़ी को 5-3 से दी मात। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल ने लिया हिस्सा, भारतीय दल को हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महान महिला बॉक्सर मैरीकॉम लीड करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर ताली भी बजाई। पीएम ने कहा कि आइए हम सब भारत के लिए चीयर करते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से टीम इंडिया को बधाई दी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। 32वें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन का लुत्फ लिया। टोक्यो में ओलंपिक गेम की ओपनिंग सेरेमनी के वक्त इसके विरोधी सड़कों पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि कोरोना के इस दौर में जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। ओलंपिक में मेडल की दावेदार भारतीय रेसलर विनेश फोगाट भारतीय ओलंपिक संघ से खफा हैं। आईओए ने उनकी फिजियो पूर्णिमा नगोमिदिर को मान्यता नहीं दी। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तानी दल चर्चा में है। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की टीम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। दो पाकिस्तानी एथलीट्स ने मास्क ठीक से नहीं लगाया हुआ था। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में अद्भुत नजारा दिखा। स्टेडियम के ऊपर आकाश में 1,800 ड्रोन्स ने ग्लोब बनाकर दुनिया के एक होने का संदेश दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।